बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि थंबनेल जो यूट्यूब में हम इस्तेमाल करते हैं वो कैसे बनाते हैं, और वो विदाउट स्किल उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए किसी भी किस्म की स्किल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चले आएँ, हम आपको बताते हैं कि वो कैसे बनता है। सबसे पहले हम टाइप करेंगे canva.com, तो हमारे सामने ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। हम इसको, आपका अगर अकाउंट बना हुआ है तो आप इसको लॉगिन करेंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप इसको साइन अप करेंगे। मेरा अकाउंट क्योंकि बना हुआ है, मैं इसको करूँगा लॉगिन कंटिन्यू विद जीमेल। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू विद जीमेल करूँगा तो सामने मेरा ईमेल आ जाएगा जिससे मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है जी। तो जैसे ही मैं इसको लॉगिन करूँगा मेरे सामने ये इंटरफेस एक ओपन हो जाएगा। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा होम का आइकन है, योर प्रोजेक्ट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत से ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि वीडियो की एडिटिंग कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, लोगो कैसे बनाने हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट आपने देखी होंगी वो कैसे बनानी है, फ्लायर्स कैसे बनाने हैं, रिज्यूमे कैसे बनानी है। मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग में आपको जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ से आप ईज़िली बना सकते हैं, और बहुत ही इजी वे से बना सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी स्किल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आज का हमारा टॉपिक था कि हमने थंबनेल यूट्यूब का कैसे बनाना है, तो मैं यहाँ पे सर्च लिखूँगा सर्च बार में थंबनेल यूट्यूब, ये मेरे पास आ गया, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये हमारे सामने हमने जैसे ही थंबनेल यूट्यूब को हमने सर्च किया तो उससे रिलेटेड जितने भी जो उससे रिलेटेड रिजल्ट्स थे वो हमारे पास शो हो गए। ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं। अब इसमें कुछ प्रो हैं और कुछ फ्री हैं। अब जिन पे ये प्रो लिखा होगा ये परचेज्ड हैं, ये आपको परचेज़ करना पड़ेंगे, और जो फ्री हैं वो आपको ईज़िली अवेलेबल हैं, आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, उसको ईज़िली आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मुझे जो भी जो लोगों को पसंद आया है, जो थंबनेल पसंद आया है वो ये वाला है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट विंडो में मैं इसमें जो उससे रिलेटेड एडिटिंग है या उसमें चेंजिंग करना चाहता हूँ, फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, पिक्चर चेंज करना चाहता हूँ, या कुछ भी जो मुझे अट्रैक्टिव लगे या अच्छा लगे, मैं उसमें अमेंडमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं इजीली इसमें कर सकता हूँ। ये हमारे पास विंडो ओपन होगी। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये पिक्चर जो है ये रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको ख़त्म भी कर सकता हूं। आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सिंपली डेल का बटन प्रेस करेंगे तो यहां से वो पिक्चर ख़त्म हो जाएगी। अब मैं इसमें कुछ और जो कुछ डालना चाहता हूं, तो मैंने रिसेंटली अपना डेटा कुछ इसमें डाला हुआ है, वो आप ईज़िली इसको यहाँ से अपलोड करके, अपलोड मीडिया पर क्लिक करके, जहाँ पर आपका वो डेटा पड़ा हुआ है आपने जस्ट वहाँ से सिंपली उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपने सिंपली उसको ओपन करना है, वो ऑटोमेटिकली इसकी गैलरी में आपके अकाउंट में सेव हो जाएगा जी। अब मैं कहता हूँ कि मैंने इसमें जो पिक्चर है वो रिमूव करके अपनी पिक्चर लगानी है, तो मैं यहाँ से एक पिक्चर सेलेक्ट करूँगा। मैंने यहाँ से ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली, ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब मैं इसको जहाँ चाहे वहाँ पर इसको मैं पुट कर सकता हूँ बहुत ही ईजी वे से। अब मैं जस्ट यहाँ से इसको पिक करूँगा, यहाँ से इसको पिक करके मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगा। अब आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे, मैंने एक जो टॉपिक लिखा हुआ है उसको चेंज करना है, अब जस्ट यहाँ पे इसको सिंपली सेलेक्ट करेंगे, सिंपली सेलेक्ट करेंगे इसको, लिखेंगे हाउ टू क्रिएट, हाउ टू क्रिएट आ गया, और यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे इसको सेलेक्ट करके YouTube थंबनेल, और इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं ताकि फॉन्ट क्लियर हो, ठीक है, बस इसको ब्लैकिश भी इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और मैं इसका साइज थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि हमारा जो फॉन्ट है वो प्रॉपर उसमें फिट हो जाए। मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा, इसको
इसको यहाँ से उठाऊंगा और इसके अंदर मैं बॉक्स के अंदर इसको पुट कर दूँगा जी। ठीक है, अब इसमें मैं चाहता हूँ कि कोई टेक्स्ट मैंने लिखना है तो मैं टेक्स्ट बार में जाऊँगा, यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी फॉन्ट होंगे या जितना डेटा आपने अपलोड किया होगा उस रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी वो आपके कैटेगरी में आ जाएंगी। ये देखें, इसलिए जितने भी आप यहां से कुछ भी उठाना चाहते हैं, कुछ भी उठा के लिखना चाहते हैं तो आप यहां से इजीली जस्ट इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो फॉन्ट जो आपको पसंद है वो ऑटोमेटिकली आपके थंबनेल पे आ जाएगा। जहां से आप इसको, जहां पे भी आप इसको रखना चाहते हैं आप सिंपली इसको यहां से पिक करें, पिक करके जहां पे आप इसको पुट करना चाहते हैं वहां से इसको पुट कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि इसका बैकग्राउंड का कलर ठीक नहीं है या बैकग्राउंड का जो इंटरफेस है वो ठीक नहीं है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड के सैंपल्स हैं वो आप कुछ भी इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे सैंपल्स प्रोवाइड हैं या कुछ आपके पास सैंपल हैं वो आप बैकग्राउंड पर लगाना चाहते हैं वो भी आप ईज़िली जस्ट यहाँ से अपलोड करेंगे, अपलोड यहाँ से करेंगे। अपलोड करने के बाद जो भी आपको बैकग्राउंड पसंद है वो आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसको मर्ज और पेस्ट कर सकते हैं। अगर कुछ एलिमेंट्स वगैरह आप इसमें लगाना चाहते हैं, कोई लाइन है, कोई एरो है, कोई फ्रेम, सर्कल, स्क्वायर, इससे रिलेटेड कुछ भी आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली इसमें आप पुट कर सकते हैं, इसको अट्रैक्टिव करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। तो इसमें आप अगर टेम्पलेट और डालना चाहते हैं, इसके इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आप इजीली इसमें टेम्पलेट भी ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हमारा ये मेरा थंबनेल ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट सिंपली एक ये एरो का निशान बना होगा, इस पर सिंपली मैं एक क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का, मैं जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।